दोस्तों नमस्कार, आर्य स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ा झटका लग गया है। एक और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स झटके की शौकीन है नहीं। इस सीजन बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, शुरुआत के 5 में से 4 मैच जीते हैं, टेबल टॉपर्स रहे हैं, लेकिन अब एक झटका लग गया है और वो झटका ये है कि एक बहुत तगड़ा गेंदबाज जो इन्होंने खरीदा था उनने खेलने को ही मना कर दिया है। उसने बोल दिया है कि भाई देखो, मैं IPL से दूर रहूंगा, मुझे नहीं खेलना है। अब क्यों मना किया है, ये तगड़ा गेंदबाज कौन है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्या स्पोर्ट्स में। राजस्थान रॉयल्स जो IPL 2024 के शुरुआती 4 मैचों में अजय रही, लेकिन 5वां मैच वो हारी गुजरात टाइटन्स के खिलाफ। बहुत इंटरेस्टिंग वो मैच था, लेकिन आज हम उस मैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को लगे हुए झटके की। दरअसल ऑस्ट्रेलियन एक गेंदबाज हैं, एडम जैम्पा, आपने नाम सुना ही होगा। और एडम जैम्पा को यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने 1.5 करोड़ रुपए में 2023 में खरीदा था और इस साल भी इसी टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो तब भी नहीं खेले थे और वो अब भी नहीं खेले। और मैं तो आपको इतना ही बता दूं, आखिरी बार ये 2020 में खेले थे RCB की तरफ से, क्योंकि राजस्थान से पहले वो RCB के पास ही थे, लेकिन उससे पहले भी सिर्फ 2 सीजन खेले हैं, ये 2016, 2017 और फिर 2020। कुल मिलाकर इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने 14 मैचों में 287 गेंदें फेंकी हैं, रन 370 खाए हैं, विकेट 21 निकाले हैं। बेस्ट इनका 6 विकेट है 19 रन दे करके, इकोनॉमी 7.74 की है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एडम जैम्पा की जो इकोनॉमी है और जो कैपेसिटी है विकेट लेने की वो बहुत शानदार है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन स्पिनरों में, अच्छे स्पिनरों में इनका नाम जो है वो टॉप 5 में आता है। एडम जैम्पा बढ़िया खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूफ कर चुके हैं, IPL में ज़्यादा खेले नहीं जैसे कि हमने आपको अभी आंकड़े दिखाए, लेकिन बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, जैसे कि राशिद खान है, जैसे कि या फिर कोई भारतीय स्पिनर हो, वो अपने आप में अमित मिश्रा जैसे लोग जो बहुत टाइम तक खेले IPL में, और अभी फिलहाल कुलदीप यादव इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एडम जैम्पा भी अपनी स्पिन की गुणवत्ताओं के चलते, अपनी वैरायटीज के चलते जो है काफ़ी फेमस रहते हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने उनकी इन एक्सपर्टीज़ को अपनी टीम में शामिल करने का पूरा का पूरा जोर लगाया था और चाहते थे कि वो इस सीज़न तो कम से कम खेलें, बट एडम जैम्पा ने नाम वापस ले लिया। कारण जो बताया है वो बड़ा अजीब साटपटा सा कारण है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 महीनों में इतना क्रिकेट खेला हूं कि मैं थक गया हूं। उन्होंने बोला कि मैं अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं अपना नाम वापस लेता हूं। मैं राजस्थान रॉयल्स को अपना 100% अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खेलना चाहता। तो कुल मिला के जिस प्लेयर के होने से, जिस गेंदबाज के होने से राजस्थान रॉयल्स जो टॉप पर चल रही है वो टीम और मजबूत हो सकती थी। अभी और मजबूती नहीं मिलेगी, अब जितने ऑप्शन संजू सैमसन के पास हैं ऑलरेडी वो उनसे काम चलाएं। रियान पराग का भी इस्तेमाल आप पार्ट टाइम बॉलर में कर ही लेते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन एडम जैम्पा तो आपके साथ अभी फिलहाल नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स टेबल टॉपर टीम रही है, 2022 में फाइनल में भी गई थी, लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान रॉयल्स का इस साल का बैलेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है और टीम भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है। आपकी क्या राय है, क्या राजस्थान रॉयल्स इस साल जीतने वाली IPL? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और तमाम IPL की और स्पोर्ट्स की अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आर्या स्पोर्ट्स को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।